गाइज, आप सभी ने गौतम बुद्ध की कोई फ़ोटो या फिर स्टैचू तो देखा ही होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो उनके बाल होते हैं थोड़े कर्ली टाइप होते हैं। अब सवाल आता है कि क्या आप भी यही सोचते हैं कि ये उनके बाल हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सोच गलत है। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो क्या होता था, पहले के ज़माने में जो भी साधु संत थे मेडिटेशन करने से पहले अपना मुंडन करवा लेते थे ताकि कोई भी चीज़ उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो ऐसा ही गौतम बुद्ध ने किया था, उन्होंने 49 डेज तक मेडिटेशन की थी ताकि वो एनलाइटमेंट पास कर सके। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी और जो धूप थी सीधा उनके सर पर आके लग रही थी, आखिर थे तो वो एक तरह से गंजे ही। तो क्या हुआ कि वहीं से आसपास से कोई स्नेल, जिसे कि हम हिंदी में गोंगा या फिर शंबुक भी कहते हैं, वहाँ से पास अवे हो रहा था। उसने नोटिस किया कि गौतम बुद्ध पे के सर पर तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और ऐसे चलता रहा तो वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, वो उनके सर पर जाकर बैठ गया जिससे उनको रेस्ट मिल सके। तो ऐसे करते करते उस स्नेल के सारे फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स उनके सर पर जाके बैठ गए और 108 स्नेल्स यानी कि 108 स्नेल्स उनके सर पर जाके बैठ गए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो स्नेल्स वहीं पर मर गई, यानी कि उनके सर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका स्ट्रगल आज भी याद किया जाता है, जब भी गौतम बुद्ध की स्टैचू या फिर कोई पिक बनाई जाती है तो उन स्नेल्स की पिक भी साथ में बनाई जाती है। गौतम बुद्ध के कर्ली हेयर्स का इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।